सहारा इंडिया को 30,000 भुगतान का आदेश। इसे हिंदुस्तान ने प्रकाशित किया है। गाजीपुर संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग गाजीपुर के पीठासीन अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं गाजीपुर संवाददाता जिला उपभोक्ता आयोग गाजीपुर के पीठासीन अध्यक्ष सुजीत कुमार श्रीवास्तव एवं सदस्य रणविजय मिश्रा और दीपा रानी की पीठ ने बवेली ग्राम निवासी सुभाष चंद्र राय के परिवाद को स्वीकार करते हुए सहारा इंडिया के विरुद्ध आदेश पारित किया। एफडी की रकम और आर्थिक मानसिक शक्ति के लिए 25,000 रुपए, साथ ही मुकदमे के खर्च का 5,000 रुपए देने का आदेश दिया है। परिवादी सुभाष चंद्र ने सहारा इंडिया लिमिटेड शाखा मिश्रा बाजार गाजीपुर की शाखा से एक फिक्स डिपॉजिट कराया था, जिसमें 70,000 एफडीए के लिए जमा किया था, जिसकी मैच्योरिटी 28 अगस्त 2020 को थी और उन्हें 80,200 मिलने थे, जिसे मुरारी पांडे एजेंट ने कराया था। सहारा इंडिया की स्थानीय शाखा प्रबंधक पुष्पा राय थी, उनके यहाँ बॉन्ड जमा करने के बाद भुगतान नहीं किया गया। मजबूर होकर परिवादी ने 28 फरवरी 2022 को कानूनी नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से भेजा। इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया। परिवादी 21 अप्रैल 2022 को सहारा इंडिया के शाखा गाजीपुर गया तो भुगतान करने से मना कर दिया गया। तब ये परिवाद दाखिल किया गया। परिवादी ने तीन बार नोटिस भेजा, लेकिन विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। इस कारण जिला आयोग द्वारा विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई आयोजित की गई। परिवादी की ओर से बहस सुनने के बाद विपक्षी नंबर 3 के विरुद्ध परिवाद निरस्त करते हुए विपक्षी नंबर 1 और 2 के विरुद्ध परिवादी का परिवाद स्वीकार किया गया और भुगतान का आदेश दिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी आदेश पारित किया कि यदि विपक्षी भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें 9% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी देना होगा। टॉप परफॉर्मिंग सेक्शन हिंदी न्यूज।